guys this is gulinkar and today we do important questions of chapter 1 real numbers with full brief explanation our target is 2021 board exams now our first question is find the lcm of numbers whose prime factorization are expressible as 3 into 5 raised to the power 2

फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेट क्या होता है तो रेशन नंबर क्या होते हैं रेशन नंबर हमेशा पी बाम में होते हैं एंड वेयर द डी नोम पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बोथ पी एंड क्यू आर इन टीचर्स ये हमने स्टडी किया है यही होते हैं रेशन नंबर

आपको नंबर गिवन है इलेवन पॉइंट टू रेस्टरी पावर थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू रेस्टरी पावर थ्री फाइव अब हम इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर टू की पावर थ्री है लेकिन इसको सेम बनाने के लिए इसको भी थ्री पावर बनानी है हमने तो हमने इसको किससे 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 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव स्के फाइव पावर वन हमें गिवन है हमें क्या बनाना है फाइव पावर थ्री बनाना है ताकि टू और फाइव सेम हो जाए दोनों की पावर सेम हो जाए तो हम फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेवन इंटू फाइव स्क्र इज ट्वेंटी फाइव टू क्यूब इज टू क्यूब एंड फाइव इंटू फाइव स्क्स सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड होती हैं फाइव इज टू दी पावर वन फाइव स्क्र

वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी इजी आपको तीन नंबर्स दिए गए थ्री नंबर टू यू आपको क्या निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है टेबल ऑफ टू 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 थ्री द सिक्स एंड टू सिक्स अगेन इट गर्स ऑन द टेबल ऑफ टू एटीन अगेन टू नाइन दैन थ्री 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 द नाइन एंड थ्री द्री सो द प्राइम फैक्टर्स आर टू इंट टू इंटू टू

थ्री से करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से ट्वेंटी ट्वेंटी फैक्टर्स ऑफ वन ट्वेंटी सिक्स टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन थ्री कितनी बार आ रहा है टू टाइम्स टू रेज वन थ्री इंटू थ्री थ्री स्क्वेयर नेक्स्ट हमने फैक्टर्स बनाते हैं 168 के इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू 84 फोर टू फोर द एट टू टू द फोर अगेन इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू 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 द फोर टू वन द टू फिर थ्री के टेबल पे जाएगा ये थ्री सेवन ट्वेंटी वन सेवन द तो इस तरह से आपको किसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे टू टू इंटू टू इंटू टू वन सिक्सटी एट के प्राइम फैक्टर्स टू कितनी बार आ रहे हैं आपको थ्री टाइम्स टू रे टू टू पावर थ्री थ्री रेच टू दी पावर वन एंड सेवन एच टू दी पावर वन सो so, हमारे पास सेवेंटी टू के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं वन ट्वेंटी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स बन गए ना एट के, के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं नाउ अब हमें इसका क्या निकालना है एससीएम फाइंड आउट करना है और इसका क्या फाइंड आउट करना है एलसीयम फाइंड आउट करना है सो सेवेंटी टू वन ट्वेंटी सिक्स वन सिक्सटी एट के हमारे फैक्टर्स बने थे ना एलसीयम हमने अभी, अभी पीछे स्टडी किया था एल्सियम क्या होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स पावर होगी हर एक prime factors की जो में होगा क्या करते हैं? Product करते हैं हैं so, इनमें से देखो तीन टू सब में कॉमन है तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है टू की थ्री टू रेच डी पावर थ्री थ्री सब में कॉमन है तो थ्री की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर थ्री रेचडी पावर टू सेवन सबसे बड़ी पावर वन ही है तो

थ्री भी दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है तो इसमें सबसे छोटी पावर थ्री की क्या है वन तो सेवन देखो इन दो में तो है लेकिन थर्ड में नहीं है दैट इज इट इज नॉट कॉमन इन ऑल दिस थ्री तो हम इसको नहीं लेंगे तो हमेशा एच के लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स सो थ्री टू इंटू थ्री इज सिक्स इन दिस वे वी गेट द एचसीएफ एंड एल सी ऑफ दीज टू नंबर्स नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको दो नंबर्स दिए गए हैं अब इसको नेचर भी किस तरह का प्रोडक्ट है रैशनल है इरेशनल है बताना है अंडर रूट उइनस अंडर रूट 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 अंडर अंडर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं इस तरह से ए प्लस बी सी प्लस डी तो क्या करते हैं इस ए को पहले इस पूरे सी प्लस डी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई प्लस बी फिर सी प्लस डी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई मीन्स इस नंबर को इस पूरी पैकेट से और इस पूरे नंबर को इस पूरी प्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टू को इस पूरी पैकेट से मल्टीप्लाई किया अंडर वो टू प्लस अंडर रूट बीच में कौन सा साइन है माइनस अंडर रूट थ्री हमने बाहर रखा सो अंडरुड टू प्लस अंडर नंबर सेम नहीं है अंडर रुट बी क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी क्लियर तो यहाँ पर दोनों नंबर डिफरेंट है टू है थ्री है तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स अंडर वुड टू इंटू अंडर वुड टू दोनों नंबर सेम है तो क्या आएगा टू माइनस अंडर वुड थ्री को अंडर वुड थ्री से करेंगे वी गेट थ्री प्लस माइनस माइनस अंडर वुड थ्री को अंडर वुड टू से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस ऑफ अंडर वुड सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे यू गेट टू माइनस थ्री एंड टू माइनस थ्री इज माइनस वन क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है वन थ्री है और थ्री आगे कौन सा साइन है माइनस का सो माइनस वन माइनस वन अपॉन वन लाइक दिस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज इट इज अ रेशनल नंबर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू आपको गिवन था हम इसको लिख सकते हैं सेम ए स्वेयर माइनस बी स्क्र का फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया अंडर रूट टू आगे लिख लिया थ्री तो दोनों देखो ए और ए सेम हो गए एंड दिस इज बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र सो ए इज हेयर एज ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर हेर इज इन दिस क्वेश्चन इज अंडर रूट टू एंड बी इज अंडर रूट थ्री

तो so, सबसे पहले जब भी लार्जेस्ट नंबर आपको निकालने के लिए कहा जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए दैट यू हैव टू फाइंड द एस आपको क्या फाइंड आउट करना है एससी फाइंड आउट करना है कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या एस फाइंड आउट करना है बट रिमेंबर वन थिंग जब भी आपके पास लिखा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू फाइंड द एस Now, आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो सेवेंटी और वन ट्वेंटी फाइव को क्या करे डिवाइड करे लेकिन आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए फाइव एंड एट आना चाहिए मीन्स अगर सेवेंटी को वो नंबर डिवाइड करे तो फाइव रिमाइंडर आना चाहिए और वन ट्वेंटी फाइव को वही ग्रेटर नंबर लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करे तो आपके पास क्या आना चाहिए एट एज अ रिमाइंडर आना चाहिए सो लेट द लार्जेस्ट नंबर भी एन हम ले लेते ले हैं कि वो नंबर क्या है एन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड सेवेंटी लिविंग रिमाइंडर फाइव यही बोला गया क्वेश्चन में नाउ द लार्जेस्ट नंबर से एन हमने चूज किया है उसने डिवाइड किया सेवेंटी को तो कौन सा क्या रिमाइंडर आया हमारे पास फाइव क्लियर सपोज ए तो हम यहां पर आपको पता है आपने यूक्लिड डिवीजन लैमा में भी पढ़ा है क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऐसी हमने स्टडी किया है यूक्लिड डिवीजन लैमा में जिसको हम यहां पर इसको ए लेते हैं दिस इज बी दिस इज क्यू क्वेश्चन एंड दिस इज आर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऐसी इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यहाँ से हम अपने वैल्यू निकल जाएगी सेवनटी पॉजिटिव या माइनस हो जाएगा इधर आके एन ए एन ए इज इक्वल टू टिक्सटी फाइव हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड वन ट्वेंटी फाइव लिविंग रिमाइंडर एट ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो वन को डिवाइड करता है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है एट सो द लार्जेस्ट नंबर हमने एन लिया है उसने डिवाइड किया 125 को एट रिमाइंडर आया सपोज उसको डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया बी सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्लियर सो वन इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा एन बी ग्रेटेस्ट नंबर एन जो नंबर डिवाइड करके हमारे पास आया है सो ऑन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एन की वैल्यू क्या आ 117. Now from n into n into a is equal to 65 and n into b is 117 ये हमारे पास है। यहाँ पर हमारा n क्या है? n works at the HCF of 65 and 117 का क्या होगा HCF? तो 65 का हम HCF निकालेंगे तो 65 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 के टेबल पे is it जाएगा 5, 13

स्मोलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन वन स्मोलेस्ट पावर कॉमन वन की यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है थर्टीन है और दोनों की पावर सेम ही एवन सो एच सी एफ इज थर्टीन तो इसका मतलब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया थर्टीन सो थर्टीन इज द लार्जेस्ट नंबर सेवेंटी एंड वन ट्वेंटी फाइव लिविंग रिमाइंडर फाइव एंड एट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड टू फोर्टी फाइव एंड वन जीरो टू नाइन लिविंग रिमाइंडर फाइव इन ईच केस सेम एज इट इज क्वेश्चन है बस यहाँ पर क्या चीज है तब भी हमारे पास सीमेंटर क्या आएगा फाइव एंड वही लार्जेस्ट नंबर जो वन जीरो टू नाइन को डिवाइड करेगा सेम हमारे पास सीमेंडर क्या आएगा फाइव सो एज यू नो लार्जेस्ट नंबर जब भी निकालने के लिए आ जाए यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर से टू फोर्टी फाइव को जो नंबर डिवाइड करेगा वो कैट रिमाइंडर फाइव एंड द सेम नंबर लार्जेस्ट नंबर विच डिडन जीरो टू नाइन लिविंग ए रिमाइंडर फाइव क्लियर नाउ हेवी सॉल्व दिस क्वेश्चन सेम एज इट इज फर्स्ट स्टेप इज लेट दंबर बी एन जो आपने नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम क्या ले लेंगे एनलेट कर लेंगे सपोज हमारा आंसर ए आया है सो डिविडेंट सेम एज इट इज डिविडेंट इज इक्वल टू डिजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऐसे ही सो दिस इज सपोज दिस इज ए दिस इज बी दिस इज क्यू क्वेश्चन एंड दिस इज आर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लैमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लाइक दिस ऑल्सो आई राइट इट हेव यूक्लिड डिविजन लेमा डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जब हम डिवाइड करते हैं दिस इज डिविडेंट दिस इज डिवाइजर क्वेश्चन और डिवाइड करने के बाद क्या आता है रिमाइंडर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नॉर्थ सो लार्जेस्ट नंबर टू फोर्टी फाइव डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर टू फोर्टी फाइव इधर पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा एन ही नाउ टू फोर्टी फाइव माइनस फाइव इज टू फोर्टी सो एन ई इज टू फोर्टी नाउ द अगेन द लार्जेस्ट नंबर लिविंग रिमाइंडर फाइव सो वन जीरो टू नाइन को हम लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे वी गेट अ रिमाइंडर फाइव सपोज द नंबर इज एन बी जो डिवाइड करने से हमारा नंबर बी आया है सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सो वन जीरो टू नाइन इधर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा एन बी वी गेट वन जीरो टू फोर एन बी की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम वन एन टू एन इन टू इज टू फोर्टी एन इन टू बी इज वन जीरो टू फोर उट करना है एच सी एफ हम इनके टू फोर्टी के प्राइम फैक्टर्स इट गोज द टेबल ऑफ टू वन ट्वेंटी अगेन इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू टू सिक्स द ट्वेल्व जीरो अगेन इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू टू थ्री द सिक्स जीरो अगेन टू टू वन द टू टू फाइव द टेन Then it goes on the table of three, then five. These are the prime factors of 240, and the prime factors of 1024, it goes on the table of 2. Again, it goes on the table of 2, 512, 256. Again, it goes on the table of two. Sixty two, the 6, 2 to the 4, 212, the 2, 2, the 4 the 16.

Write whether 2 under root 45 plus 3 under root 20 upon 3 under root 5 on simplification gives a rational or an irrational number. नाउ नंबर गिवेन टू अंडर रुड फोर्टी फाइव प्लस अंडर रूड ट्वेंटी अपन थ्री अंडर रुड फाइव तो अंडर रुड फोर्टी फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं सबसे पहले फोर्टी फाइव के फैक्टर्स बनाएंगे अगर हम थ्री वन द्री थ्री फाइव द फिफ्टीन इट गोज ऑन टेबल ऑफ थ्री देन अगेन थ्री थ्री फाइव दिफ्टी देन फाइव ट्वेंटी इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू टू टेन ट्वेंटी देन टू फाइव द टेन देन फाइव वन द फाइव नाउ फैक्टर्स कैसे बनते हैं अब फोर्टी फाइव के हमारे पास फैक्टर्स क्या बने थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव दैट इज थ्री स्क्र इंटू फाइव तो अगर हम इसका अंडर रूट कर देंगे मीन्स अंडर रूट फोर्टी फाइव दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्र इंटू फाइव तो दोनों नंबर्स का हम अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं थ्री स्क्र इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा वी गेट थ्री अंडर रूट फाइव क्लियर विकेट थ्री अंडर रुड फाइव हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू सिमिलरली कॉमन है जो कॉमन वाला नंबर है ऐसे भी याद रख सकते हैं जो कॉमन वाला है वो कैसे आता है बाहर आता है और जो अनकॉमन वाला है वो अंडर वूड में आ जाएगा सो टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स अंडर उड फाइव थ्री इंटू टू इज सिक्स हंडर उड फाइव अपॉन दिस यहाँ पर टू कॉमन ले सकते हैं टू टाइम्स ऑफ सिक्स अंडर वुड फाइव है टू टाइम्स है, है क्योंकि प्लस करेंगे एड करेंगे सो टू टाइम्स ऑफ सिक्स ऑफ अंडर वुड फाइव अपॉन थ्री फाइव Clear? So, 2, 6, the 12, 2, 12, under root 5 upon 3, under root 5, under root 5, under root 5, 5, cancel out, ho 3, 4, the 12, we get 4. 4, com as a click, hai, 4 upon 1, which is the form of p by q, and where the q, the denominator part is not equal to 0, and both p and q are integers, so it is a rational number. Next is question number 8 Find the product of the LCM and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number. प्रोडक्ट निकालना है आपको एस है और एल निकालना है किसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर का और सबसे छोटा क्या कंपोजिट नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास टू होता है सभी को पता है स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है टू एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एल एंड एल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर

सो वी नो दैट बिटवीन टू इ रेशन नंबर्स जेरा इन्फानाइटी रैशन नंबर्स किन्नी दो रैशन नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशल नंबर्स होते हैं अंडर वुड टू की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट फोर वन फोर सो ऑन एंड अंडर वुड थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री टू So, two बताने इनके बीच में तो बहुत सारे रेशन नंबर इज वन पॉइंट फोर टू फोर टू टू फोर टू टू फोर एंड दिन दोनों के बीच में -005 -005, कुछ भी हो सकता है कुछ भी आप लिख सकते हैं सो दीज आर दू रेशनल इेशनल नंबर्स बिटवीन अंडर उन्ड अंडर उज क्वेश्चन नंबर टेन दो नंबर्स है कौन कौन से एक्स और एटीन का आपको थर्टी सिक्स गिवन है एंड द एच सी एफ ऑफ एक्स एंड एटीन एच सी एफ इन्हीं दो नंबर का टू नंबर्स का एक्स एंड एटीन का आपको गिवन है एच सी एफ टू गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको क्या फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नाउ द गिवन एलसीएम ऑफ टू नंबर इज थर्टी सिक्स आपको गिवन है एंड द एल सीएम ऑफ दिस टू नंबर इज ऑल्सो गिवन दैट इज टू सो वी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी नो दैट हम एक फॉर्मूला याद था हमने एनसीआर टी में स्टडी किया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एफ इन टू एल सी एफ Product of two numbers, कौन से से दो दो आपको 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 है 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 इन का तो की value आप आउट कर सकते हैं टू इंटू थर्टी सिक्स एटीन है, है यहाँ नीचे आ जाएगा सो एटीन इंटू दर्टी सिक्स टू इंटू टू इज फोर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर फाइव एट सेवन अपॉन टू रेज टू दी पावर टू इंटू फाइव रेज टू दी पावर थ्री विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस सो गिवन आपको नंबर है फोर फाइव एट सेवन अपॉन टू रेज टू दी पावर टू इंटू फाइव रेज टू दी पावर थ्री So, ये जो नंबर आपको गिवन है है. है तो तो आपको पीछे बताया था अगर terminate है, तो उनकी जो 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 होनी चाहिए चाहिए होना किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए टू रेज टू दी पावर एन 5 फाइव टू दी पावर एम की फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए अब यहाँ पर देखो फाइव पावर थ्री है टू की पावर स्क्वेयर है तीन दोनों को सेम बनाने के लिए ताकि मेरे पास टेन आ जाए हमें क्या करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू की पावर भी सेम हो जाएगी थ्री हो जाएगी दोनों की पावर सो so, टू को अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको निमनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर फाइव एट सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट नाइन वन सेवन फोर सो टू स्क्र इंटू टू दोनों बेस सेम है तो पावर एड आ जाएंगी तो कितनी पावर्स हो जाएगी टू रेज टू डी पावर थ्री एंड फाइव रेज टू डी पावर थ्री आपको ऑलरेडी गिवन था टू इंटू फाइव कितना हो गया टेन तो दोनों पावर सेम क, सेम है तो इसलिए बाहर हमने थ्री लिख दिया टेन थ्री मीन थ्री टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट आ जाएगा सो वी गेट नाइन पॉइंट अपॉन टू रेज टू दावर टू इंटू फाइव रेज टू दी पावर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू नंबर्स कौन कौन से आपको गिवन है 2520 and 6600 6, 0, 0, 6, 6600 is equal to 40 and lcm of these two numbers 2520 and 6600 is equal to given hai 252 into p you have to find the value of p you p to value find out karni so given hcf given hai 2520 6600 which is equal to 40 and same the lcm of these two number is also given now we know the formula that the product of two numbers is equal to hcf into lcm सो so, the दो नंबर्स आर टू फाइव टू जीरो एंड सिक्सटी सिक्स हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू एस सी एफ आपको गिवन है फोर्टी एलसीएम आपको गिवन है टू फिफ्टी टू इन P पी सो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी को मिस साइड ही रखेंगे फोर्टी ये नीचे चला जाएगा टू फिफ्टी टू यहाँ कहाँ चला जाएगा डी नोमिनेटर में टू फिफ़्टी टू को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टू फिफ्टी टू टेन टू फिफ्टू फाइव टू जीरो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी So we get 3300 upon 2, which is equal to p. Then it divides, it goes on the table of 2, 1650. If we divide, karenge, we get 1650. So, what is the value of p? Which is equal to 1650.

So it goes on the table of two, two on the two, two to the four to five the ten and zero, then it goes again on the table of two, then five, then again five. So the factors of twenty five hundred are two raised to the power two into five raised to the power four. Like this. हमने सेम बनाने के लिए हमारे पास टेन आ जाए टू की पावर भी सेम हो जाए और फाइव की पावर्स भी सेम हो जाए यहाँ पर फाइव की पावर क्या है फोर और टू की पावर टू है सो so टू की पावर फोर सेम करने के लिए इसको टू रेस व टू से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यों क्योंकि बेस so अगर बे सेम है तभी पावर्स एड होंगी सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई अगर डी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो वन फाइव वन फोर फाइव एट एट इंटू फोर टू इज फोर सो यहाँ पर हमारी पावर सेम होगी फाइव रेस्टरी पावर फोर टू रेस्ट पॉल टू टू रेस्टरी पावर टू बे से नो द फॉर्मुला अगर बे सेम है ए रेस्टरी पावर एन ए रेस्टरी पावर एम है तो ए रेस्टरी पावर एम प्लस एन हो जाता है क्लियर सो वन फोर फाइव एट एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट फाइव एट थ्री टू थ्री फाइव टू एंड फाइव टू फाइव दट एन दोनों पावर्स अगर सेम है ए दी पावर अगर एन है और ए दी पावर एम है तो ए रेजिस्टरी पावर एन एम हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स सो टू फाइव दी पावर फोर टेन रेस्टी पॉवर फोर मीन टाइम्स ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर डेसिमल एक्सपेंशन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ पी एन क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पी इंटू क्यू कितना आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वैल्यू गिवन है एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर है टू नंबर दैट इज फिफ्टी वी हैव टू फाइंडियम सो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एच सी एफ इंटू एलसीय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दट इजी इंटू क्यू विच इज इक्वल टू एच सी एफ आपको गिवन है

प्लेसेस के बारे टर्मिनेट करेगा सो द गिवन नंबर इज टू फोर फाइव सिक्स सेवन अपॉन वन टू फाइव जीरो सो इसलिए हमें जो डी नोमिनेटर में जो नंबर है उसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे सो द फैक्टर्स ऑफ वन टू फाइव जीरो इट गोज ऑन द टेबल ऑफ टू हमेशा जब भी फैक्टर्स बनाने हैं स्मॉलेस्ट नंबर से ही बनाने हैं टू के टेबल पे सिक्स ट्वेंटी फाइव देन इट गोजल फाइव देन फाइव सो द फैक्टर्स ऑफ वन टू फाइव जीरोज टू वन टाइम एंड फाइव डे इज दावर फोर अब अगेन टर्मिनेट कर रहा है तो इसको इनकी पावर सेम बनाने के लिए टू की पावर वन है इसको भी हमें फोर ही बनाना है तो टू रेस्ट व्री से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नी नोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू रेस्ट व्री इज एट दोनों की पावर सेम हो गई टू रेस्ट वोर फाइव रेस्टी पावर फोर मल्टीप्लाई करेंगे विकेट टू सेवन सिक्स फाइव थ्री सिक्स अपॉन टेन रेस्टी पावर फोर टेन रेस्ट्री पावर फोर मीन फोर टाइम जीरो फोर सो डेसिमल एक्सपेंडिचर लिखने के बाद पॉइंट आ जाएगा सो द डेसिमल एक्सपेंडिचर टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसिमल इट विल टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसिमल प्लेसेज थ्री फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर फाइन द नंबर थ्री थाउजेंड एंड फाइव ट्वेंटी फाइव आर बोर्ड डिविजिबल बाय दीज ऑल नंबर वट इज एच सी एफ ऑफ थ्री थाउजेंड एंड फाइव ट्वेंटी फाइव

5, 7 the 35, then 7, 1 the 7, then these all are the factors of 525, then factors of 3000, it goes on the table of 2, it again 2, again 2, and then 3, 5. These all are all the factors of 525 and 3000. So, factors of 525 are 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 2 into 7 raised to the power 1, and the factors of 3000 are 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 1 because 3 occur one time, and 5 raised to the power 3. नाउ द एसीएफ ऑफ दिस टू नंबर एससीएफ में मतलब क्या होता है जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स सो कॉमन फैक्टर्स यहां पर क्या है ये कॉमन है थ्री थ्री कॉमन है तो इनमें से स्मॉलेस्ट पावर क्या है थ्री रेज पावर वन एंड फाइव टू ट्री पावर टू एंड फाइव डेज पावर थ्री मीस फाइव इज कॉमन अमंग अमंगस टू नंबर्स सो इनमें से जो छोटी पावर है जो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी फाइव डेजी पावर टू सो द फैक्टर इज थ्री इन टू फाइव फाइव डॉ ट्वेंटी फाइव ना यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन एनी ऑफ दिस मैथ नेक्स्ट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन मैथ लॉन्ग डिवीजन हमने फॉलो नहीं करना है स्टेट स्ट्रीट हमें बताना है दैट दिस नंबर अपॉन विल हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या ये टर्मिनेट एक्सिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है सो so, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे हमें पता है अगर डी नॉमिनेटर जो होता है रेशन नंबर किसकी फॉर्म में होता है पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है Q K, अगर वो टू रेसरी पावर एन इंटू फाइव रेसरी पावर एन के फॉर्म फॉर्म के अगर वो इसके में नहीं है तो दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दैट मीनस इट इज नॉट टर्मिनेटिंग सो सबसे पहले जो आपको डिनोमिनेटर गिवन होता है आप उसके factors बनाएंगे. Factors बनाएंगे, टेबल ऑफ देन फाइव सेवन एंडी सभी को पता है फैक्टर्स कैसे बनाते हैं देन द फैक्टर्स ऑफ आर टू टू रेजर वन फाइव रेसर वन सेवन रेजीन बिकॉज ऑल नंबर वन टाइम सो द गि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म देखो सभी अलग अलग है टू और फाइव का ही होना चाहिए फैक्टर लेकिन यहां तो सेवन और थर्टीन भी दो नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास सो दैट मीनस द डी नोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेज पावर एंड फाइव रेज टू दी पावर एम

हर एक प्राइम फैक्टर की मीन्स कॉमन वन की बात नहीं हो रही कॉमन वन हम सिर्फ एससीए में ही देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट होगा हाईएस्ट पावर सबसे पहले जो बड़ी पावर होगी और किसकी बड़ी पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर की जो कि इन्वॉल्व होगा सो यहाँ पर अगर हम देखें ए क्या है एक्स क्यू वाई स्क्वेयर है बी क्या है तो ये देखो ये सबसे पहले जो इनमें जो बड़ी पावर वाली कौन सी है क्यूब और इनमें जो बड़ी पावर वाला कौन सा है वाई क्यूब यहां पर अगर सपोज जेड होता तो हम जेड भी ले लेते हैं जुड़ी नहीं है कि यहां पर कॉमन ही होना चाहिए तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सो द एल्सियम इज एक्स क्यूब वाई क्यूब नेक्स्ट इज कैन द नंबर फोर पावर एन एंड बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड विदिजिट जीरो पावर एंड क्या वो एंड करता है डिजिट जीरो से फोर एन नंबर टू एंड विद जीरो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर किससे एंड होता है जीरो से तो इसका मतलब उसमें इट मस्ट है हमें एक जीरो की बात की है विद जीरो एटलीस्ट वन जीरो

पावर एन है तो टू इंटू टू मीज टू स्क्र पावर एन इज टू रेच री पावर टू एन डू नॉट है पेयर भी नहीं मिल रहा है सो दी जीरो अगर हमारे पास फाइव ही नहीं है तो दैट मीन्स जो एंड डिज इट वो जीरो ही नहीं होगी सो देअर फोर देयर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच पावर एन एंड आप किसी भी मैथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं सो रिमेंबर वन थिंग टू गेट वन एंड डिजिट जीरो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एंड डिजिट में आपको जीरो चाहिए तो दैट मीन्स एटलीस्ट वन पेयर टू इंटू फाइव मीन्स टेन एटलीस्ट वन पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए क्लियर टू इंटू फाइव एजस्ट क्वेश्चन नंबर इन इट्सिमल इज थ्री टू सेन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू वेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू गिव रीजन आपको एक रेशन नंबर दिया गया है उसके डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है हम उसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यून्स डी नोमिनेटर मीन्स जो क्यू डिनोमिनेटर होता है उसके बारे में हमें बताना है Terminating decimal expansion. क्यों क्योंकि है 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 तो हमेशा कैसे होता है? Terminating होती एज वी नो दैट इफेक्ट इज इक्वल टू पी q इज नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हमेशा किसकी फॉर्म की होती है टू रेज टू दी पावर एन इंटू फाइव रेज टू दी पावर एन

तो आ रहा है 2 रेस टू द पावर 4 एंड 4 टाइम्स क्या रखकर हो रहा है 5 तो 5 रेस टू द पावर 4 सो दोनों की पावर सेम है सो वी राइट इट एज अ 2 5 रेस टू द पावर 4 नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ वन ट्वेंटी नाइन अपॉन टू रेज टू दावर फाइव इंट फाइव रेज टू दावर सेवन इंटू सेवन रेज टू दावर फाइव इज अ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नाउ लेट Suppose this number like P by Q, 129, इसकी फॉर्म है पी बाय क्यू की फॉर्म में है लेकिन जो प्राइम फैक्ट्राइजेशन है जो क्यू है जो डीनोमिनेटर वाला पार्ट है फॉर्म टू रेस्टर एन इन टू फाइव रेस्टो दावर एम की फॉर्म का नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है सेवन भी अक्कर रहा है वेर एन 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 एम बोथ हाथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज द होल नंबर सो अगर ये इसकी फॉर्म का ही नहीं है टू रेस्ट पावर एन और फाइव रेस पावर एम क्यू फॉर्म का होता तो ये क्या होता टर्मिनेटिंग लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेवन साथ में आ रहा है तो ये सीधे कैसी हो जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो दिस इज़ अपॉन टू दी पावर टू फाइव डेज टू दी पावर सेवन सेवन टू दी पावर फाइव हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन एज आपने एनसीआर टी की थ्योरम से वन पॉइंट सेवन सभी ने स्टूडेंट्स से पढ़ी होगी उसमें क्या है लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू बी एक् रेशनल नंबर है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो फैक्ट्राइजेशन डीनोमिनेटर वाले पार्ट की अगर हम फैक्टराइजेशन करें अगर वो इस फॉर्म की नहीं होती है तो इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी जो हमारे रेशन नंबर की वो कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज

Next question is determine determine whether 786 upon 1500 has a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion

2 रेज टू द पावर n into 5 रेज टू द पावर n वेयर mn एंड बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सो दैट मींस द नंबर इज अ हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि ये 2 रेज टू द पावर n into 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म का है तो एक ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नाउ क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1 लाख

first of all we find the lcm of 8 15 and 21 8 15 and 21 in this way we find the lcm on finding the lcm we get the factors 8 into 15 into 7 2 raised to the power 3 because 2 occurs three times 3 occurs one time 5 one time and 7 one time so multiply all these numbers we get 840

पहले 840 से डिवाइड किया 840 से डिवाइड किया वही गेट रिमाइंडर 40 हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 40 दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि वन लैख में से अगर हम माइनस कर देंगे 40 तो जो हमारे पास आंसर आएगा 99960 ये एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे 840 से जो कम्प्लीटली किससे डिविजिबल होगा एट फोर्टी से इसका मतलब ये हो गया कि वन लैख ,00 को हमने डिवाइड किया एट फोर्टी से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है फोर्टी तो इसका मतलब वन फी अगर वन लैख ,00 में से अगर हम ये रिमाइंडर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड नंबर वो कम्पलीटली किससे डिविजिबल होगा एट फोर्टी से विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइड विच कम्प्लीटली विच इज कम्पलीटली डिविजिबल बाय नंबर एट फोर्टी दैट मीन्स एट फोर्टी डिवाइड करके देख लेंगे नाइन 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 सिक्स जीरो अगर हम इसको एट फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा सो वी गेट आंसर वन वन नाइन मीन्स इट इज़ दैट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन ये एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है जो इन तीनों से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा दैट इज द नंबर डिविजिबल बाय एट फोर्टी मीन्स वन लैख में से माइनस करेंगे फोर्टी दैट इज नाइन 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 सिक्स जीरो अब नाइन 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 सिक्स जीरो हमारे पास ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो अगर हम नाइन 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 सिक्स जीरो में हम ऐड कर देंगे वही नंबर तो हमारे पास वन जीरो जीरो एट जीरो आ जाएगा वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा इससे लेकिन हमें क्या निकालना है इन दोनों ये दो हमारे पास अब दो नंबर्स हैं इनमें से हमने कौन सा नंबर निकालना है विच इज़ नियरेस्ट टू वन लैख एंड ग्रेटर देन नियरेस्ट भी हो और ग्रेटर भी हो वन लैक के ग्रेटर बट हमारे पास वन जीरो जीरो एट जीरो जीरो एक ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है जो कि नियरेस्ट भी है और ग्रेटर भी है वन लैख के सो दिस इज दैट नंबर विच इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं हमारे पास नाउ वी एड वन लैख और एट फोर्टी को एड कर सकते हैं और माइनस कर देंगे अगर फोर्टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे गेट डायरेक्टली गेट द नंबर वन जीरो जीरो एट जीरो जीरो हमने वन लैख को किससे डिवाइड प्लस करेंगे क्यों क्योंकि उसका रिमाइंडर है और उसमें से माइनस कर देंगे इससे डिवाइड करेंगे वन लैख हमें नंबर गिवन है एट फोर्टी हमारे पास एलसीएम आया है नंबर में एलसीएम हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे अगर हम रिमाइंडर सो वी गेट द रिवाइड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एस सफ ऑफ वन एटी नाइन एंड टू नाइनटी सेवन एंड फाइंड देर एल्सीियम हमें एस सी एफ फाइंड आउट करना है इन दो नंबर्स का और एल्सीियम भी फाइंड आउट करना है सो एससीएफ़ और एल्सीयम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इन दोनों नंबर्स के क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे सो वन एटी नाइन के फैक्टर्स बनाएंगे थ्री 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 सेवन दीज आर द फैक्टर्स ऑफ वन एटी नाइन एंड द फैक्टर्स ऑफ टू नाइनटी सेवन ऑफ थ्री 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 इलेवन सो द फैक्टर्स ऑफ वन एटी नाइन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन दैट इज थ्री रेस्ट दावर थ्री इंटू सेवन एंड द फैक्टर इज थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू इलेवन दट इज थ्री टू दी पावर थ्री इंटू इलेवन एस सी एफ क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर अब इनमें से कॉमन नंबर क्या है थ्री रेस पावर थ्री तो इसमें से स्मॉलेस्ट दोनों की पावर सेम है दैट इज थ्री रेसर थ्री ट्वेंटी सेवन एंड एलसीयम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट

राम एंड शाम गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली राम एंड शाम दो स्टूडेंट्स है सर्कुलर ट्रैकुलर ट्रैक है इसमें वो क्या करते हैं रन करते हैं इन द पार्क टेक 150 फिफ्टी सेकेंड जो राम है वन फिफ्टी सेकंड लेता है और जो शाम है वन एटी सेकेंड लेता है रिस्पेक्टिवली टू कम्पलीट वन सेउंड को कम्पलीट करने के लिए दे स्टार्ट टू गैर एट सिक्स वो उन्होंने रनिंग करनी कब स्टार्ट की सुबह छह बजे फ्रॉम द सेम पॉइंट एक ही पॉइंट से एंड इन द सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में एट वट टाइम विल दे मीट द फर्स्ट टाइम आफ्टर दे स्टार्ट वो कहाँ जाकर एक ऐसा कौन सा पॉइंट है कहाँ जाकर ये मिलेंगे

थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इट गोज ऑन टेबल ऑफ टू सेवेंटी फाइव नाइन इट गोजल ऑफ थ्री देन अगेन ऑन द टेबल ऑफ थ्री देन इट गोज अगेन ऑन द टेबल ऑफ थ्री देव सो ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दिस नंबर वी गेट नाइन हंड्रेड सो दे विल मीट अगेन इन नाइन हंड्रेड सेकंड मतलब वो नाइन हंड्रेड सेकंड में जाकर क्या करेंगे मीट करेंगे मीन्स फिफ्टीन मिनट अगर हम मिनट में बताएं तो कितने मिनट में मीट करेंगे 15 minute. 15 वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं सो वन अपॉन सिक्सटी मिनट वन सेकेंड तो आपके पास नाइन हंड्रेड सेकेंड तो नाइन हंड्रेड सेकेंड्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन हंड्रेड अपॉन सिक्सटी सो सिक्स वन द सिक्स सिक्स फाइव द थर्टी अगर वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं तो एक सेकंड में कितने होंगे वन अपॉन सिक्सटी मिनट हो जाएंगे स्टार्ट रनिंग एट सिक्स ए एम एंड मीट अगेन इन द नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट सो वी एड अप दिस टू सिक्स ए एम पे स्टार्ट किया उन्होंने रन करना और मीट उन्होंने फिफ्टी पे जाकर वो मीट करेंगे सो वी एड अप दिस टू विकेट सिक्स फिफ्टीन ए एम क्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव इज रिटर्न इन द फॉर्म पी बाय क्यू विर पी एंड क्यू आर को प्राइम पी और क्यू दोनों को प्राइम है एंड क्यू इज ऑफ दू रेस्टी पावर एंड फाइव रेस्टडी पावर एम देन फाइन द वैल्यूज ऑफ एम और एन की वैल्यूज क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है सो लेट पी बाय क्यू इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स फोर टू फाइव पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सो कितनी जीरोज आ जाएंगी वन टू थ्री फोर फाइव तो हम पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे किसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम क्यू मीस डिनोमिनेटर वाले पार्ट के करेंगे तो so, फैक्टर्स बनाएंगे हम क्यू के दैट इज वन के हम फैक्टर्स बनाएंगे बट वी गेट टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू कितनी टाइम्स अक्करेट टू रेस पार फाइव फाइव रेस्टू दारीस प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू टू रेच दाइव इंटू फाइव रेस्टू दार फाइव इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए सो वन बेस इज सेम वी कैन राइट पावर्स कैन बी इक्वेटेड जब बेस सेम होता है तो पावर्स को इजिली इक्वेट कर सकते हैं तो हाँ हम क्वेश्चन में गिवन था इज़ ऑफ द फॉर्म टू रेस्टी पावर एंड फाइव रेस्ट्री पावर एम और हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन की क्योंकि तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे टू रेस्टी पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा टू रेज पावर फाइव के और फाइव पावर एम किसके इक्वल हो जाएगा फाइव रेस्टो पावर फाइव के ऑन इक्वेटिंग द वैल्यूज बेस सेम है तो पावर्स क्या कर दी हमने सेम कर दी एन की वैल्यू क्या आ गई फाइव और एम की वैल्यू भी क्या गई फाइव सो वी गेट द वैल्यू एम एन एन एंड बोर्थ आर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एन एम आर पॉजिटिव इन टीचर पॉजिटिव इन टीचर हैं सच दैट एम रेस टू दावर एम इज इक्वल टू थर्टी टू दे पावर एम एन M और दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन गिवन है M N की 32 है रेज टू पावर की वैल्यू आपको तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी करने एन रेसरी पावर एन एम मीन अगर एम और एन की वैल्यू अगर हम अलग से फाइंड आउट कर दें तब भी हम इसे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं सो so, जो आपको गिवन है वट इज गिवन गिवन आपको एम रेसरी पावर एन इज इक्वल टू थर्टी टू दिस इज गिवन ये आपको गिवन है अब अगर हम इसके थर्टी टू के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे फैक्टर्स बनाते टू टेबल पे जाएगा ये

एलसीएम तो हमें क्या निकालना है? निकालना है है टुगेदर इनका नेक्स्ट टाइम टॉलिंग निकालना है तो हम लेन का, ले 9, 12, 9, 12, का मैंने अलग अलग लिया है यहां पर नाइन का फैक्टर्स टू टू थ्रीन के फैक्टर्स थ्री फाइव सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एलसीएम का मतलब क्या होता है फैक्टर्स तो यहाँ पर क्या है हाईएस्ट थ्री है तो थ्री की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 रेज टू द पावर 2 2 स्क्वायर है हाईएस्ट पावर एंड 5 सो ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दिस वी गेट 150 मिनट्स सो डील टॉल टुगेदर आफ्टर 150 मिनट्स सो इसका मतलब ये कहाँ जाकर टॉल करेंगे टुगेदर एट 150 मिनट्स में Now find the HCF and LCM of 336 and 54 and verify that HCF and LCM is equal to product of two numbers. Means आपको दो numbers दिए गए हैं हम इनका HCF निकालना है LCM निकालना है और इस condition को क्या करना है आपको verify करना है So the factors of 336 and 54. So factors बनाएंगे हम 336 के these are the factors of 336 and these are the factors of 54. So HCF क्या होता है HCF is the क्या होता है कॉमन जो कॉमन फैक्टर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है ये कॉमन है तो टू इसकी फोर है इसकी पावर वन है तो वन पावर वा लेंगे ये भी जो नंबर है इसकी स्मॉलेस्ट पावर थ्री तो टू थ्री दिक्कस इज द एस एंड एलसीएम क्या होता है हाइएस्ट पावर ऑफ द ऑल द प्राइम फैक्टर्स तो टू रेस पावर फोर थ्री क्या है थ्री रेसरी पावर थ्री एंड सेवन और मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर वी गेट थ्री जीरो टू फोर नाउ अब हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं एस सी एफ और एलसीएम किसके इक्वल होगा सिक्स इन टू एस सी एफ एस सी एफ की वैल्यू क्या आई है आपके पास सिक्स और एलसीएम कितना आया है थ्री जीरो टू फोर ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स वी गेट वन एट वन फोर फोर एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दीज आर द टू नंबर्स थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट वन एट वन फोर फोर सो हेन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एसियल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड